नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राजेश और आप देख रहे हैं एंजल टेक एनालिसिस। तो आज मैं आप लोगों के लिए, जैसा कि मैं हर वीकेंड पर आप लोगों के लिए दो स्टॉक लेकर आता हूं, उन दो स्टॉक में आपको मैं पूरी एनालिसिस करके बताता हूं कि वो स्टॉक किस तरह से मूवमेंट करते हैं, उन स्टॉक का बिहेवियर कैसा है, वो स्टॉक किस तरह से ऊपर जाते हैं, किस तरह से नीचे आते हैं, हमको कब उसमें बाय करना होता है, कब सेल करना होता है, वो मैं आपको वीकेंड पर दो स्टॉक लेकर आता हूं, जिसमें मैं आपको सिखाता हूं कि किस तरह से इसमें ट्रेंड लाइन ड्रॉ करनी है, कैसे इसमें सपोर्ट ड्रॉ करना है और कैसे हमको यहां पर स्टॉक लेना है। तो चलिए, चालू करने से पहले मेरे जो भी भाई सज्जन मित्र यहां पर नए हैं, कृपया हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल नोटिफिकेशन जरूर प्रेस कर लें कि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए, मैं आप लोगों के लिए आज जो स्टॉक लेकर आया हूं, उनके नाम है ब्रिटानिया और जुबिलेंट फूड। तो आज मैंने एफएमसीजी सेक्टर को उठाया है और मैं आपको आज एफएमसीजी सेक्टर में आज जो है एनालिसिस करके दिखाऊंगा। तो चलिए आइए, मैं इसमें, जैसा कि हम एक साल का चार्ट लेकर एनालिसिस करते हैं, तो ये आ गया 2018 से। चलिए ठीक है जी, चलिए अब देखिए इसमें, हाँ यहां से ले लेते हैं। तो यहां देखिए, हाँ ये देखिए, यहां पर इसने जो हाई लगाया था, तो हमने इसके ऊपर से एक जो है हॉरिजॉन्टल ड्रॉ कर लिया। तो हॉरिजॉन्टल को जब हमने आगे की तरफ खींच लिया तो हमको यहां पर एक सपोर्ट मिल गया। तो यहां पर इसका, ये देखिए, यहां पर आप देख सकते हैं, यहां पर इसका ब्रेकआउट हुआ। ब्रेकआउट होने के बाद, ये ऊपर सस्टेन करने के बाद सेकेंड टाइम इसने फिर यहीं पर जो है सपोर्ट लिया। सपोर्ट लेने के बाद देखिए अब क्या हो रहा है, मैं आपको ये थोड़ा बड़ा करके दिखा देता हूं तो आपको अच्छे से पिक्चर क्लियर होगी। तो यहां पर इसने एक डोजी टाइप की कैंडल बनाई। तो डोजी टाइप की कैंडल पे हमारा क्या काम होता है, जब ये सपोर्ट पर या रेजिस्टेंस पर डोजी टाइप की कैंडल बनती है, तो यहां पर ज्यादातर चांस होता है कि अब ये ट्रेड यहां से रिवर्स हो सकता है। अगर वो ट्रेड ऊपर की तरफ है तो वो नीचे की तरफ रिवर्स हो सकता है, अगर वो ट्रेड नीचे की तरफ है वो ऊपर की तरफ रिवर्स हो सकता है। तो यहां पर देखिए, ये जो हाई लगा था और उसके बाद यहां पर स्टॉक जो है कंटिन्यू यहां पर सस्टेन होता रहा, तो हमको क्या मिल गया, यहां पर एक हायर हाई था और यहां पर भी जो है हमको लोअर हाई मिल गए। तो हमने यहां से इस तरह से ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर ली। तो ये देखिए, अब यहां पर ट्रेंड लाइन हमने ड्रॉ कर ली है, ट्रेंड लाइन का यहां पर ब्रेकआउट हुआ है और ब्रेकआउट यहां पर मैं आपको जरा बड़ा करके दिखाऊं तब। हाँ, तो ट्रेंड लाइन का देखिए, यहां पर ब्रेकआउट हुआ। ब्रेकआउट होने के बाद देखिए, यहां पर ये जो है रीटेस्ट करने के लिए आया हुआ है। तो एक हम यहां पर और जो है सपोर्ट ड्रॉ कर लेते हैं। इसका जो ये रेजिस्टेंस था, जो इस लेवल पर मैं आपको दिखा देता हूं, इस लेवल पर ये जो लेवल है वो लेवल है 2390 रुपए का। तो ये 2390 रुपए पर जो है काफी दिनों तक यहां पर सस्टेन करता रहा, कभी ऊपर की तरफ नीचे की तरफ, मतलब ये जो है 100 से 150 रुपए के बीच में ये काफी दिन तक, नियर अबाउट 1 से 2 महीने तक यहां पर सस्टेन करता रहा। और यहां पर ये जो ब्रेकआउट हुआ, तो यहां पर जैसा मैं आपको बताता हूं कि हमको मल्टी कंफर्मेशन चाहिए होती है ब्रेकआउट में, तो यहां पर हमारे देखिए, जो मेरा सेटअप जो होता है अक्सर, एक देखिए कि यहां पर हमारे पास ये रेजिस्टेंस है हॉरिजॉन्टल लाइन का, सेकंड हमारे पास ये ट्रेंड लाइन है। तो ये देखिए, एक तो इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट हुआ है, सेकेंडली इस रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट हुआ है। तो ऐसे ब्रेकआउट जो है मार्केट में बहुत अच्छे माने जाते हैं। तो ये देखिए अब क्या हो रहा है, यहां पर ये ब्रेकआउट होने के बाद हमने जो इसका रेजिस्टेंस ड्रॉ किया हुआ था 2380 रुपए के लेवल पर, अब ये वहीं पर आके ये सपोर्ट ले रहा है। अब यहां पर देखिए, आप सेम जो चीज पीछे हुई थी वही सेम चीज यहां पर हो रही है। मैं आपको बताता हूं क्या, ये देखिए, मैं एक यहां से फिर एक ट्रेंड लाइन लूंगा। ये देखिए, ये ट्रेंड लाइन मैंने यहां पर ड्रॉ कर दी, जैसा यहां पर हो रहा था। देखिए यहां पर भी ये ब्रेकआउट होने के बाद, यहां पर जो ब्रेकआउट हुआ था, ब्रेकआउट होने के बाद ये देखिए कंटिन्यू यहां पर ये 1 से 1.5 महीना यहां पर सस्टेन हुआ है। और इस यहां पर भी देखिए सेम पिक्चर हमको देखने को मिल रही है कि यहां पर 2390 रुपए का लेवल ब्रेकआउट होने के बाद फिर जो है नियर अबाउट 10 से 15 दिन हमको वहां पर सस्टेन होता हुआ स्टॉक दिख रहा है। तो जैसे हमने यहां पर ट्रेंड लाइन ड्रॉ की थी, वैसे हम ट्रेंड लाइन यहां पर इधर ड्रॉ कर लेंगे। तो अब देखिए अब क्या हो रहा है, अब यहां पर जब इसने ट्रेंड लाइन का यहां पर ब्रेकआउट हुआ है, और यहां पर हम एक और अपना जो है, जहां पर इसका ये रेजिस्टेंस लेके बार बार नीचे आ रहा था, तो ये जो है स्टॉक ब्रिटानिया जो है 2450 और नीचे की तरफ जो है 2400 रुपये।
तो ये 50 रुपए के अंदर जो है ये 10 से 15 दिन ये घूमता रहा। तो आप यहां पर देख सकते हैं जिस तरह का पैटर्न हमने पीछे ड्रॉ किया था वही सेम पैटर्न जो है ब्रिटानिया ने आगे के टाइम में बनाया है। तो ब्रिटानिया का जो बिहेवियर है, ब्रिटानिया इसी तरह से ट्रेड करता है कि ब्रेकआउट होने के बाद ये कुछ दिन तक जो है 100 से 50 रुपए के बीच में रेंज बाउंड हो जाता है। मैंने अक्सर इस स्टॉक पर ऐसा देखा है। तो जैसे यहां पर ये देखिए रेंज बाउंड हो गया, रेंज बाउंड होने के बाद इसने हॉरिजॉन्टल लाइन, इसका रेजिस्टेंस और ट्रेंड लाइन दोनों का ब्रेकआउट दिया, और यहां पर भी सेम जो है देखिए ब्रेकआउट देने के बाद ये यहां पर 15 दिन जो है रेंज बाउंड हो गया, और यहां पर इसने रेजिस्टेंस का और ट्रेंड लाइन का दोनों का ब्रेकआउट किया। अब उसके बाद देखिए क्या हो रहा है, उसके बाद स्टॉक जो है कंटिन्यू अप साइड में निकल रहा है। ये देखिए कंटिन्यू अप साइड, ठीक है, कहीं पर कोई वो नहीं है, हायर हाई बनाते हुए कंटिन्यू जा रहा है। तो यहां पर देखिए यहां पर हमको जो है एक हैमर टाइप के कैंडल यहां पर मिली है। तो यहां पर हमारा जो होगा ये देखिए इस तरह से हम जो है एक हम सपोर्ट ड्रॉ कर लेंगे। ये थोड़ा सा मैं इसको इस तरह से कर देता हूं, सॉरी, हमने यहां पर एक सपोर्ट ड्रॉ कर लिया। अब ये सपोर्ट पे देखिए क्या हो रहा है, सपोर्ट पे ये जो यहां पर इसके लिए रेजिस्टेंस का वर्क कर रहा था, अब यहां पर आके 1 टाइम 2 टाइम और 3 टाइम कंटिन्यू इसने 3 बार यहां पर आके जो है सपोर्ट लिया है, और सपोर्ट लेने के बाद ये जो है सीधा ऊपर की दिशा में शुरू हो गया है। ये देखिए अब हम यहां पर क्या करेंगे, यहां पर आप देख सकते हैं एक छोटा सा फ्लैग पैटर्न बना रहा है। तो जब स्टॉक अक्सर जो अपवार्ड में होते हैं कंटिन्यू ऊपर की तरफ जाते हैं तो उनमें क्या होता है, उनमें अधिकतर जो है या तो डार्वस बॉक्स टाइप का पैटर्न बनेगा, रेक्टेंगल पैटर्न बनता है, या तो उसमें जो है फ्लैग टाइप के पैटर्न बनते हुए कंटिन्यू वो स्टॉक जो है ऊपर की तरफ जाता जाता है। तो अभी मैं इसको जो है थोड़ा ऊपर कर देता हूं, हाँ यहां पर ठीक है। तो अब ये देखिए इस फ्लैग, ये फ्लैग जो पैटर्न का ब्रेकआउट हुआ, फ्लैग पैटर्न ब्रेकआउट के बाद ये जो है फिर इसने ऊपर की तरफ जाना चालू कर दिया। अब देखिए यहां पर कंटिन्यू आपको ग्रीन कैंडल दिख रही है, कंटिन्यू ग्रीन कैंडल दिखने के बाद आपको यहां पर एक रेड कैंडल दिखी, तो रेड कैंडल दिखी उसके बाद फिर जो है ये देखिए हायर हाई बनाते हुए फिर ऊपर गया, उसके बाद फिर यहां पर इसने एक दो यहां पर रेड कैंडल बनानी चालू की है। तो हमने क्या किया, जो पहला जहां पर सपोर्ट लिया था, जहां पहली रेड कैंडल बनी थी, हमने वहां पर इस तरह से एक सपोर्ट हमने यहां तक ड्रॉ किया, ठीक है। तो ये देखिए अब क्या हो रहा है, यहां पर जो है ये ऊपर की तरफ जाते हुए हायर हाई बनाते हुए अब यहां पर जो है देखिए इसने जो है फिर इसको क्रॉस नहीं किया है, ठीक है, इसको क्रॉस नहीं किया है, और सेकेंड टाइम आकर जो है फिर यहीं पर इसने सपोर्ट लिया है। सपोर्ट लेने के बाद फिर ये ऊपर की तरफ गया, और ऊपर की तरफ कहां तक गया है ये देखिए, ये जो पिछला हाई जो लगा हुआ था ये यहां तक ही गया है, जो ये पिछला हाई लगा था यहीं तक गया है, और यहां पर इसने एक हैमर कैंडल बनाई, और हैमर कैंडल बनाने के बाद फिर जो है ये नीचे की तरफ। अब हमने क्या करना है, हमारा जो पहले जो हमने सपोर्ट ड्रॉ करके रखा हुआ है हम इस सपोर्ट को जो है हम एक्सटेंड कर लेंगे। तो एक्सटेंड करने से क्या हुआ, हमको जो है आगे के लिए हमको सपोर्ट मिल गया। तो यहां से जब भी सपोर्ट लेने के बाद ये ऊपर की तरफ गया था, और ये जो इसका पिछला हाई प्रीवियस हाई जो लगा हुआ था यहां पर जो है इसने ये देखिए एक हैमर टाइप की कैंडल बनाई, और थर्ड टाइम फिर आकर इसने यहीं पर सपोर्ट लिया। अब देखिए क्या हो रहा है, यहां पर सपोर्ट लेने के बाद ये फिर जो है यहां पर एक बुलिश हरामी टाइप की कैंडल पैटर्न बना है, ये जो देख सकते हैं आप, यहां पर एक बड़ी रेड कैंडल है और उसके बाद जो है छोटी सी ग्रीन कैंडल है, तो हम इसको बुलिश हरामी पैटर्न कहते हैं। तो अब हम क्या करेंगे, हम एक तो ऊपर से अपना ये जो हमने रेजिस्टेंस ड्रॉ करके रखा हुआ है हम इसको जो है एक्सटेंड कर लेंगे। हमने इसको एक्सटेंड कर लिया, अब ये देखिए क्योंकि यहां पर ज्यादा चांस है कि जैसे पिछली बार यहां से ये स्टॉक मुड़ा था और रिवर्स हुआ था, यहां से भी ये रिवर्स हो सकता है, तो इसलिए हम जो है इसको हम एक्सटेंड करके रखेंगे, हमको ऊपर का एक रेजिस्टेंस मिल जाएगा। तो यहां देखिए क्या हो रहा है, यहां पर आकर स्टॉक जो है यहां पर इसने कोई रेड कैंडल नहीं बनाई, कोई हैमर कैंडल नहीं बनाई, कोई बियरी शराबी नहीं बनाया, यहां पर एक की देखिए इसने बुलिश हैमर कैंडल बनाई है, ठीक है, आप देख सकते हैं यहां पर एक बुलिश हैमर कैंडल बनाई, और देखिए हैमर कैंडल बनाने के बाद ये फिर जो है कंटिन्यू ऊपर की तरफ निकल लिया। अब हम क्या करेंगे, हम इसको जो है वेट करेंगे कि हमको जो है ये रीटेस्ट हो, स्टॉक ब्रिटानिया रीटेस्ट होने का वेट करेंगे, और रीटेस्ट होने के बाद फिर इसको हम बाय करेंगे। तो यहां पर देखिए क्या हो रहा है, हमने ये जो रजिस्टेंस ड्रॉ करके रखा हुआ था हमने इसको एक्सटेंड कर लिया, अब ये ऊपर की तरफ जाने के बाद देखिए नीचे आया, फिर इसने जो हाई बनाया ये पिछले हाई से नीचे है, आप इसको ध्यान से देखिए, ये जो इसने हाई बनाया है ये पिछले हाई से नीचे बना है,
फिर इसने एक रेड कैंडल बनाई है, यहां पर सपोर्ट दिया है, यहां पर एक हैमर टाइप की कैंडल बनी है। बट इसके बाद फिर जो हाई बना है यहां पर जो है, देखिए इसका हाई प्रीवियस हाई से लो है। तो यहां पर हमको क्या चीज दिख रही है कि अब ये जो है अपना हाई क्रॉस नहीं कर पा रहा है। ये देखिए पिछला हाई जो इसके बाद जो बना हाई, लोअर हाई जो बना, उसने इसको पिछले प्रीवियस हाई क्रॉस नहीं किया। थर्ड टाइम जो इसका लोअर हाई बना, उसने भी प्रीवियस हाई को नहीं जो है क्रॉस किया। तो इससे क्या है, इससे हमको एक कंफर्मेशन मिल जाती है। ये देखिए प्राइस एक्शन यहाँ पर कितना अच्छा बन रहा है। तो हमको यहाँ पर एक कंफर्मेशन मिल गई कि स्टॉक कहीं ना कहीं जो है लोअर लो बना रहा है, लोअर हाई बना रहा है। तो ये स्टॉक जो है नीचे की तरफ आ सकता है, तो हम यहाँ पर अलर्ट हो जाएंगे। अब यहाँ पर ये देखिए हमने एक जो है ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर ली, ठीक है, इस तरह ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर ली। अब हमारा सिनेरियो उस समय क्या होता, उस समय हमारा सिनेरियो ये होना चाहिए कि जब ये जो है इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करेगा और ये जो है प्रीवियस हाई जो है इसको क्रॉस करेगा, तब जाकर हमारी यहाँ पर एंट्री होती। बट यहाँ पर जो है इसने ट्रेंड लाइन को क्रॉस करने की बजाय जो है नीचे की तरफ मूवमेंट दे दी, ठीक है। तो नीचे की तरफ मूवमेंट देने के बाद ये देखिए दो बड़ी बड़ी कैंडले बनाई हैं। अब हम देखेंगे कि शायद ये जो हमारा पिछला जो सपोर्ट हमने ड्रॉ करके रखा हुआ था, यहां पर आके ये सपोर्ट लेता है या नहीं लेता है। तो हमने इसको जो है ये देखिए इस तरह से एक्सटेंड कर दिया है। तो एक्सटेंड करने के बाद इसको हम थोड़ा सपोर्ट देखिए जो हम ड्रॉ करते हैं उसको कभी कभी थोड़ा सा ऊपर नीचे करना पड़ जाता है, तो हम इस तरह से कर देंगे। तो ये देखिए अब ये क्या कर रहा है, यहां पर आके इसने सपोर्ट नहीं लिया है। यहां पर इसने कोई हैमर टाइप की कैंडल या कोई ऐसे बिल जो है अपनी बुलिश टाइप की कोई ऐसी कैंडल नहीं बनाई जिससे हमको कोई कंफर्मेशन मिलता कि ये स्टॉक ऊपर की तरफ जाएगा। तो यहां देखिए अब इसका जो है सपोर्ट ब्रेक करने के बाद अब ये देखिए यहां पर ऊपर की तरफ गया है, मतलब इसको रीटेस्ट करने के लिए गया है। स्टॉक कंटिन्यू तीन कैंडल रेड कैंडल बनाते हुए इसको ब्रेक किया है, ब्रेक करने के बाद इसको जो है रीटेस्ट करने के लिए गया हुआ है। तो रीटेस्ट करने के बाद ये देखिए इसने ये एक लो बनाया, इसका इसका जो है अपना जो लो था ब्रेक किया, उसके बाद यहां पर जो है देखिए एक यहां पर हाई बना रहा है। तो हमारी एंट्री कहां पर होती, जब ये प्रीवियस हाई को क्रॉस करता तब हमारी यहां पर बाइंग की एंट्री होती, ठीक है। तो यहां पर इसने जो है प्रीवियस हाई को क्रॉस नहीं किया है, तो मतलब हम इसमें जो है बाइंग की एंट्री नहीं लेंगे। अब हमको क्या होगा, हम इस लेवल का वेट करेंगे, ये जो इसने हाई लो बनाया हुआ है इस लेवल का हम वेट करेंगे। हम इसको यहां पर ऐसे ड्रॉ कर लेंगे और जैसे ही लेवल ब्रेक होगा हमारी एंट्री इसमें हो जाएगी। तो ये देखिए यहां पर ये लेवल ब्रेक हुआ और हमको कहां तक की मूवमेंट मिल गई, हमको मूवमेंट मिल गई 2628, और कहां से मिली है, हमको मिली है 2971। तो नियर अबाउट हमको 250 पॉइंट की जो है मूवमेंट हमको मिल गई है। तो अभी हम क्या करेंगे, अभी हम इसको जो हमने सपोर्ट ड्रॉ किया था हम इसको एक्सटेंड कर लेंगे। तो यहां पर भी देखिए क्या हो रहा है, यहां देखिए यहां पर फिर जो है इसको रीटेस्ट करने के लिए आ रहा है, और फिर जो है इसका एक ये देखिए लोअर लो बना, ठीक है, यहां लोअर हाई बना, लोअर लो बना। अब हमारी एंट्री बाइंग साइड में हम तभी देखेंगे जब इसका प्रीवियस हाई जो है क्रॉस करेगा, अदरवाइज हम इसको सेल साइड ही कंसाइडर करेंगे। तो यहां पर जो है देखिए अगला जो हाई बन रहा है ये पिछले हाई से लो है, मतलब कि ये जो हाई बन रहा है ये हाई इस हाई को क्रॉस नहीं कर पा रहा है। तो आप ये देख सकते हैं कि अभी मैं आपको बता रहा हूं, हाँ ये देखिए। तो यहां पर एक लोअर हाई बना, लोअर हाई बनने के बाद फिर जो है देखिए स्टॉक नीचे की तरफ। अब हम क्या करेंगे, हमको दो लोअर हाई मिल चुके हैं, दो लोअर हाई मिलने के बाद ये देखिए यहां पर देखिए, सॉरी मुझे थोड़ा ब्रेक लेना पड़ गया था। तो चलिए हम यहां पर थे ट्रेंड लाइन पर, हम अब आगे की एनालिसिस करते हैं, देखते हैं आगे क्या हुआ। तो ये देखिए यहां पर जब इसने ट्रेंड लाइन को ब्रेक किया है, ब्रेक करने के बाद जो है ये सीधा ऊपर के लेवल पर यहां पर जाके इसने जो है रेजिस्टेंस लिया है। तो ये देखिए यहां पर जब इसने रेजिस्टेंस लिया तो हमने यहां पर जो है फर्स्ट टाइम जब रेजिस्टेंस लिया, सेकेंड टाइम हमने इसको, सॉरी मैं इसको पहले डिलीट कर दूं, ये है हाँ। तो अब हम इसको जो जहां पर इसने फर्स्ट टाइम यहां पर सपोर्ट लिया था इसको हम जो है एक्सटेंड कर देंगे। तो ये देखिए यहां पर ब्रेकआउट करने के बाद जब इसने यहां पर ब्रेकआउट किया है तो यहीं पर आकर देखिए ये जो पीछे सपोर्ट था हमने इसको एक्सटेंड किया और यहीं पर सेकंड टाइम इसने यहीं पर सपोर्ट लिया। तो हमको ऐसे सिचुएशन में क्या करना होता है, हमको वेट करना होता है कि हमको यहां पर कोई हैमर टाइप की कोई कैंडल मिले या हमको कोई बुलिश एंगल्फिंग टाइप की कोई कैंडल मिले, तो हमको एक कंफर्मेशन हो जाती है। तो यहां पर देखिए हमको दो कैंडल मिले हैमर, और वहां पर देखिए हैमर मिलने के बाद ये देखिए स्टॉक ने सीधा फिर ऊपर की तरफ रुक किया।
तो अब हम क्या करेंगे, हमने जो पीछे सपोर्ट ड्रॉ करके रखी हुई थी इसको हम एक्सटेंड कर लेंगे। तो ये देखिए यहां से निकलने के बाद जो है इसने जो है इसी रेजिस्टेंस पर जो है यहां पर रेजिस्टेंस लिया है, और यहां पर जो है 3280 रुपए के लेवल पर रेजिस्टेंस लेने के बाद इसने फिर जो है नीचे की तरफ का रुख कर दिया है, क्योंकि यहां पर इसको रेजिस्टेंस मिला। सेकंड यहां पर देखिए बुलिश एंगल्फिंग कैंडल मिली, यहां पर हमारे मल्टी कन्फर्मेशन हो गए और हमको ऐसी सिचुएशन में यहां पर सेल साइड का ट्रेड लेना चाहिए। अब देखिए क्या होता है, अब हमने यहां पर जो सपोर्ट ड्रॉ करके रखा था अब हम इसको एक्सटेंड कर लेंगे। ठीक है, हमने इसको एक्सटेंड कर लिया, ये देखिए, और यहां पर भी एक सपोर्ट, ये देखिए ऐसा यहां पर कुछ बन रहा है। तो चलिए मैं यहां पर भी एक सपोर्ट ड्रॉ कर लेता हूं यहां पर जो इसने, ये देखिए, तो इसने यहां पर जो है पीछे सपोर्ट लिया था, तो यहां से हमने इस लाइन को एक्सटेंड किया। तो यहां पर देखिए क्या हो रहा है, यहां पर सपोर्ट लेने के बाद कितनी अच्छी इसने देखिए एक हैमर कैंडल बनाई है, और हैमर कैंडल बनाने के बाद इसने जो है ऊपर की तरफ जो है ऊपर की मूवमेंट कर दी है। और अभी देखिए इसने जो है यहां पर एक रेजिस्टेंस लिया था, हम इसको भी यहां पर लाइन एक्सटेंड करके, तो ये देखिए अब क्या हो रहा है। अब मैं इसको चार्ट को जो है कंप्लीट इधर कर लेता हूं, जिससे छोटा कर लेता हूं, तो आपको जो है अच्छे से क्लियर पिक्चर समझ में आएगी। हाँ, तो यहां पर देखिए अब इसी लाइन को हमने यहां पर फिर एक्सटेंड कर लिया है। अब देखिए क्या हो रहा है, मैं अब ये सारे मैं डिलीट कर देता हूँ, ये हमको अगर जरूरत होगी तो हम इसको फिर ड्रॉ कर लेंगे, तो आपको पिक्चर जो है अच्छे से क्लियर से दिखाई देगी। तो ये देखिए क्या हो रहा है, यहां पर जो है इसने रेजिस्टेंस जब लिया है, रेजिस्टेंस लेने के बाद जो है हमारी जो पिछली सपोर्ट थी हमारी 2340 के लेवल पर, 2340 के लेवल पर आकर इसने बहुत अच्छी एक हैमर कैंडल बनाई, और हैमर कैंडल बनाने के बाद अब देखिए क्या हो रहा है, यहां पर इसने जो हाई बनाया था, जो इसका हाई था वो है था 3320 रुपए का, और अब इसने जो हाई बनाया वो बनाया 3177 रुपए का। तो हम वेट करेंगे यहां पर जो है, अगर इस लेवल को ब्रेक करता है तो हमारे यहां पर फिर बाइंग एंट्री जो है एक्टिवेट होती, बट यहां पर जो आप देख सकते हैं कि इसने जो है लोअर हाई बनाना चालू कर दिया है। ठीक है, तो लोअर हाई जब बनाना चालू कर दिया, जब हमको दो लोअर हाई मिल जाएंगे, तो दो लोअर हाई मिलने के बाद ये देखिए क्या हो रहा है, दो लोअर हाई मिले, यहां पर हमको तीसरा लोअर हाई मिला। तो हमने जब यहां पर दो लोअर हाई हमको मिले हैं, तो हमने यहां पर एक ट्रेंड लाइन इसको इस तरह से ड्रॉ कर ली, ये देखिए इस तरह से हमने ड्रॉ कर ली। अब हम क्या करेंगे, अब जब हमको नीचे की तरफ यहां पर सपोर्ट पर मिल रहा है, तो अब हम देखेंगे, देखिए स्टॉक कहां तक जा रहा है, ये स्टॉक देखिए एग्जैक्टली यहीं तक जा रहा है जो हमने ट्रेंड लाइन फिर यहां पर एक्सटेंड कर ली है। तो अब इस ट्रेंड लाइन को हम देखिए फिर एक्सटेंड कर लेंगे आगे तक। यहां देखिए अब क्या हो रहा है, इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट देखिए यहां पर हुआ है, और देखिए कितना अच्छा ब्रेकआउट हुआ है। देखिए ब्रेकआउट, फेक ब्रेकआउट और रियल ब्रेकआउट में आपको अंतर समझना होगा कि जो फेक ब्रेकआउट होते हैं वो किस तरह से बिहेव करते हैं, और जो रियल ब्रेकआउट होते हैं वो किस तरह से बिहेव करते हैं। ब्रेकआउट अक्सर जो है वॉल्यूम अगर सपोर्ट करता है तो वो ब्रेकआउट अक्सर अच्छे माने जाते हैं, और वो ब्रेकआउट जो है मार्केट में काम करते हैं। तो अभी देखिए यहां पर जो है काफी टाइम इसने जो है, मैं देखिए यहां पर ये सपोर्ट एक मैं ड्रॉ कर लेता हूं। ठीक है, अभी आप पूछेंगे कि मैंने सपोर्ट क्यों ड्रॉ किया, तो मैंने सपोर्ट इसलिए ड्रॉ किया कि यहां पर देखिए, ये देखिए यहां पर वन टाइम इसने रेजिस्टेंस लिया, फिर नीचे की तरफ आया, फिर ऊपर गया, रेजिस्टेंस लिया, फिर नीचे, फिर ऊपर गया। तो मतलब यहां पर 3 बार तो यहां पर इसने रेजिस्टेंस लिया, उससे पीछे यहां पर ये रेजिस्टेंस ले रहा है, तो इसलिए हमको यहां पर ये रेजिस्टेंस हमको ये मिल गया है। तो अभी जब ये ब्रेकआउट हो चुका है, ब्रेकआउट होने के बाद हमको देखिए एग्जैक्टली इसी लेवल पर हमने इस लाइन को एक्सटेंड कर लिया, और हमको एग्जैक्टली इसी लेवल पर जो है देखिए जो है सपोर्ट मिल रहा है। तो यहां पर देखिए वन टाइम सपोर्ट लिया, टू टाइम, थ्री टाइम, फोर टाइम, फाइव टाइम, नियर अबाउट 5 टाइम इसने यहां पर सपोर्ट लिया है। ठीक है, तो अभी जो है मैं आपको और दिखाता हूं, अब यहां पर ये देखिए सपोर्ट लेने के बाद क्या कर रहा है, जैसा मैंने स्टार्टिंग सिचुएशन में आपको बताया था, तो सेम यहां पर इसने वही बिहेव करना चालू किया है ब्रिटानिया ने। यहां पर देखिए अब नियर अबाउट 1 महीने से ये स्टॉक अब रेंज बाउंड हो गया। ठीक है, और आपको एक बात बता दूं, रेंज बाउंड होने के बाद जब स्टॉक की जो मूवमेंट होती है ना वो बहुत जबरदस्त होती है। तो यहां पर देखिए अब रेंज बाउंड होने के बाद इसने जो है, अभी एक मैं यहां पर और जो है रेजिस्टेंस ड्रॉ कर देता हूं। यहां भी देखिए रेंज बाउंड होने के बाद जब स्टॉक निकलता है तो उसकी जो है मूवमेंट बहुत फास्ट होती है, तो
तो अभी मैं बताता हूँ फ्यूचर में आपको क्या करना है। तो फ्यूचर में ये देखिए, आपने जो है अभी इसका ब्रेकआउट तो हो चुका है, अगर आपने इसमें एंट्री लेनी है तो आप 3220 रुपए के लेवल पर एंट्री ले सकते हैं। इसमें हमारा जो पहला टारगेट रहेगा वो रहेगा 3400 रुपए का, और दूसरा टारगेट हमारा जो रहेगा वो रहेगा 3600 रुपए का। तो मैं उम्मीद करता हूं कि इसकी एनालिसिस आप लोग को अच्छे से समझ में आई होगी। अगर किसी को भी इसके बारे में कोई डाउट है तो मेरे को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मेरे को पूछ सकता है। नेक्स्ट है हमारा जो है वो जुबिलेंट फूड। तो जुबिलेंट फूड पे आइए, देखिए इसको भी हम 1 साल की हम एनालिसिस इसको करके चलेंगे। तो यहां पर देखिए, यहां पर जो ये सपोर्ट ले रहा है, तो हमने पहले यहां पर लाइन ड्रॉ कर ली, अब हम यहां से आगे की तरफ चलते हैं। तो ये देखिए यहां पर सपोर्ट लिया, सपोर्ट लेने के बाद ये ऊपर गया, ठीक है। नेक्स्ट टाइम फिर नीचे आया और ये फिर देखिए इसी लेवल तक गया। तो अब क्या हो गया, अब ये देखिए हमको ये हाई मिल गया, ये हाई मिल गया। तो इन दोनों के हाई मिलने के बाद हमने क्या करना है, यहां पर एक रेजिस्टेंस इस तरह से लाइन ड्रॉ कर देनी है, ठीक है। तो अब देखिए क्या हो रहा है, अब ये जो है इस बार फिर जो है यहीं पर टेस्ट। देखिए मार्केट में जो है सपोर्ट और ट्रेंड लाइन, देखिए मार्केट इसी पर चलती है। अगर आपको पैसे बनाने हैं तो आपको सपोर्ट और सपोर्ट को जो है बहुत अच्छे से देखना होगा, रेजिस्टेंस को बहुत अच्छे से देखना होगा, ट्रेंड लाइन को फॉलो करना होगा, ठीक है ना। आप मार्केट से बहुत अच्छे पैसे बना सकते हैं, मार्केट से इंट्राडे में पैसे बनाने कोई बड़ी बात नहीं है, बहुत सिंपल चीज है, ठीक है ना। मैं इंट्राडे से बहुत अच्छे पैसे बनाता हूँ, ठीक है ना, और वही टेक्निक जो मैं फॉलो करता हूँ, जो चीजें मैं देखता हूँ स्टॉक में, वही चीजें मैं आपको बताता हूँ, और उम्मीद करता हूँ कि चीजें आपको समझ आ रही होंगी। तो ये देखिए अब क्या हो रहा है, अब नेक्स्ट टाइम फिर जो है ये देखिए, जब इसने ये तीसरी बार जब ये नीचे की तरफ आया है, यहां पर सपोर्ट लिया है इसने 1160 रुपए के लेवल पर, तो 1160 और यहां पर देखिए ये कितना है 1370। तो 1160 और 1370 के बीच में मार्केट नियर अबाउट 2 महीना इसने इसके बीच में रही है, इसी रेंज अमाउंट के बीच में रही है। अब यहां पे देखिए क्या हो रहा है, अब ये हाई लग रहा है और ये हाई इस हाई से ऊपर है, ठीक है। अब ये तीसरा हाई देखिए इस हाई से ऊपर है, तो अभी हमको क्या हो रहा है, ये देखिए हमको इस तरह से हायर हाई मिल रहे हैं, ठीक है। तो इस तरह से हम एक पैटर्न ये बना लेंगे, ये हमको ट्रेंड लाइन मिल गया। तो ऐसा जरूरी नहीं है कि मतलब ये ट्रेंड लाइन को बिल्कुल टच ही करे, ठीक है ना। कई बार ऐसा हो जाता है 2 रुपए 4 रुपए 5 रुपए नीचे की तरफ रह जाता है, बट हमको यहां पर जो ये ट्रेंड लाइन मिली थी, देखिए दो हाई जब हमको मिले थे तो हमने ये ट्रेंड लाइन जो है इस तरह से बना ली, ठीक है, ये ट्रेंड इस तरह से बना ली। अब देखिए यहां पर ट्रेंड लाइन को टच करके फिर ये नीचे की तरफ आ रहा है, और नीचे की तरफ कहां पर आ रहा है, ये देखिए यहां पर जो ये सस्टेन कर रहा था यहां तक आ रहा है, ठीक है। ये देखिए जब ये मार्केट नीचे की तरफ आई थी, नीचे की तरफ आने के बाद यहां पर देखिए कम से कम 10 से 15 दिन इसी लेवल पर रही थी और इस रेजिस्टेंस को ब्रेक करने की कोशिश कर रही थी, बट ये रेजिस्टेंस ब्रेक नहीं हो पाया और फिर जो है लास्ट सपोर्ट पर आके इसने सपोर्ट लिया। और देखिए नेक्स्ट टाइम इसने आखिर इसको ब्रेक कर दिया, और ब्रेक करने के बाद एग्जैक्टली इसी ट्रेंड लाइन पर जाके यहां से रिवर्स हो गया। रिवर्स होने के बाद कहां तक ये आ रहा है, ये जो पहले रेजिस्टेंस था अब ये सपोर्ट बन चुका है, ठीक है। अब ये सपोर्ट बनने के बाद ये देखिए सपोर्ट बन के यहां से जो जब ये मार्केट निकली है, तो जुबिलेंट फूड देखिए इसके बाद फिर इसने यही ट्रेंड लाइन को टच किया है, जो ट्रेंड लाइन हमारी 1 टाइम 2 टाइम 3 टाइम और 4 टाइम 4 बार 3 बार से जहां पर टच करके वापस हो रही थी, चौथी बार भी एग्जैक्टली यहीं पर जो है इसको रेजिस्टेंस मिला है इस ट्रेंड लाइन का, और ट्रेंड लाइन का रेजिस्टेंस मिलने के बाद जो है यहां से रिवर्स हुई है। तो अब देखिए हम क्या कर रहे हैं, यहां पर हमको देखिए इस तरह से हमने एक नीचे भी ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर लेनी है। ये देखिए ये स्टॉक ऊपर की तरफ गया, नीचे आया, फिर ऊपर की तरफ गया, ठीक है। तो क्या हुआ, 1 टाइम 2 टाइम अब हमको यहां पर हायर हाई मिल रहा है। जब हमको 2 हायर हाई मिल जाएंगे यहां पर, ये देखिए 2 हायर हाई हमको मिल गए, जब 2 हायर हाई हमको मिल गए तो हमने एक ट्रेंड लाइन इस तरह से ड्रॉ कर ली, ठीक है। तो अभी यहां पर जो है जब ये ऊपर की ट्रेंड लाइन जो हमने ड्रॉ की हुई है इसका रेजिस्टेंस लेने के बाद, अब हम ये देखेंगे कि हमको इस ट्रेंड लाइन पर कहीं हमको कोई ऐसा पैटर्न मिले कि जो यहां से रिवर्स हो और रिवर्स हो, और फिर हम हमारा टारगेट जो है शॉर्ट टर्म का हम ऊपर वाले ट्रेंड लाइन के लिए जाएंगे। बट यहां पर क्या हुआ है, यहां पर ब्रेकआउट हो गया है, और ब्रेकआउट होने के बाद ट्रेंड लाइन का ये देखिए रीटेस्ट करने के लिए आया है। देखिए मार्केट में कभी भी ऐसा नहीं है कि आपको जो है सपोर्ट रेजिस्टेंस या ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट होते ही उसमें जंप कर देना, नहीं ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। कई बार वो ब्रेकआउट जो है फेक होते हैं, हमने वेट करना है कि जो ब्रेकआउट हुआ है उसका रीटेस्ट हो, रीटेस्ट होने के बाद हमने उसमें एंट्री लेनी है, ठीक है। तो यहां पर देखिए जब ये ब्रेकआउट हुआ है फिर यहां पर रीटेस्ट करने के लिए ऊपर की तरफ गया है, और कहां तक गया है ये देखिए, ये जो हमने सॉरी मैं इसको डिलीट करूं पहले,
कहां तक गया है, ये देखिए यहां तक गया है, जो हमारी पीछे हमने रेजिस्टेंस दो करके रखा हुआ था, ठीक है। देखिए एक ही लाइन, ये जो मैंने एक ही रेजिस्टेंस ड्रॉ किया हुआ है, ये कितनी जगह काम कर रहा है, 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7, ठीक है। और ये पीछे भी कई जगह काम किया होगा। ये देखिए मैं यहां पर मैं ये ड्रॉ कर रहा हूं ना, तो आप ये देखिए, देखिए यहां पर भी कितनी बार इस पे जो है सपोर्ट लिया है। तो ये जो रेजिस्टेंस है, जो ये सपोर्ट है, ये मतलब बहुत स्ट्रांग सपोर्ट और बहुत स्ट्रांग रेजिस्टेंस है। तो यहां पर देखिए, जब ये ब्रेकआउट हुआ है, ब्रेकआउट होने के बाद यहां पर इसने रेजिस्टेंस लिया है, रेजिस्टेंस लेने के बाद फिर ये नीचे की तरफ, और नीचे की तरफ ये कहां तक आया है, ये देखिए आप, ये एग्जैक्टली यहीं तक आया है, ठीक है। जो हमारा पीछे हमने यहाँ ड्रॉ करके रखा हुआ था सपोर्ट, यहीं पर इसने सपोर्ट लिया। और अब इस बार देखिए, अब हमने क्या देखना है, अब हमने ये देखना है, देखिए पिछले जो भी सपोर्ट रेजिस्टेंस हमने ड्रॉ किए हुए हैं उसको अभी भूल जाइए, जो अभी हमारे सामने जो सिनेरियो चल रहा है हमने वो पिक्चर देखनी होती है। देखिए अभी हमारे सामने क्या सिनेरियो था, कि यहां पर ये ब्रेकआउट हुआ था और यहां पर इसने रेजिस्टेंस लिया था, रेजिस्टेंस लिया था, मैंने यहां पर रीटेस्ट किया था। तो अब हमारा फोकस इस लाइन पर होना चाहिए, ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है इस पर हमारा फोकस होना चाहिए। अब यहां पर जब हमको सपोर्ट पर मिला है, और सेकंड ये देखिए हमको यहां पर एक हैमर कैंडल मिल गई है, हैमर कैंडल मिलने के बाद हमारा टारगेट क्या होना चाहिए, हमारा टारगेट, पहला टारगेट तो हमारा यही होगा जहां पर इसने रिटेस्ट किया था, सेकंड टारगेट हमारा ये होगा, या फिर ये जो ट्रेंड लाइन ऊपर की तरफ जाएगी ये हमारा सेकंड टारगेट हो सकता है, ठीक है। तो यहां पर देखिए अब इस रेजिस्टेंस पर जाकर क्या कर रहा है ये स्टॉक इस रेजिस्टेंस पर जाने के बाद नियर अबाउट 10 से 15 दिन कंटिन्यू, ये देखिए 10 से 15 दिन रेंज बाउंड हो गया है, ठीक है, कंटिन्यू रेंज बाउंड हो गया है। रेंज बाउंड होने के बाद ब्रेकआउट हुआ है, ब्रेकआउट भी बहुत मतलब बहुत अच्छा ब्रेकआउट नहीं है, मतलब एक सिंपल ब्रेकआउट है, ब्रेकआउट हुआ है। और इसी ब्रेकआउट होने के बाद अब ये देखिए स्टॉक जो है रीटेस्ट होने के लिए देखिए यहां पर आया है, यहां पर ब्रेकआउट हुआ है और ये देखिए रीटेस्ट होने के लिए यहां पर आया है, उसके बाद मार्केट नीचे की तरफ आ गई है। और मार्केट ये जो है नीचे की तरफ कहां पर आई है, ये देखिए जो पीछे एक लो लगा हुआ है, हमने सारे सपोर्ट वगैरह को ध्यान में देकर चलना है, बट हमने ज्यादा ध्यान उधर देना है जहां पर करंट पिक्चर चल रही है, ठीक है। तो ये देखिए अब यहां पर इसने सपोर्ट लिया है, अब देखिए यहां पर क्या हो रहा है, ये देखिए अब मैं इसको डिलीट, चलो बाद में देखता हूं। यहां पर देखिए यहां पर लोअर हाई बनने चालू हो गए हैं, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, जब लोअर हाई बनने चालू हो गए, हम दो लोअर हाई को इस तरह से पकड़ेंगे और ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर देंगे, ठीक है। तो यहां पर देखिए हमने ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर दिया, अब क्या है, अब यहां पर देखिए यहां पे काफी सस्टेन हो रहा है, उसके बाद इस सपोर्ट पर आया है, सपोर्ट पर आने के बाद फिर जो है इसने एक हैमर कैंडल बनाई है। तो देखिए मैं जुबिलेंट फूड में क्या चीज देखता हूं, इसका बिहेव क्या है, ये अधिकतर जो है देखिए रेंज बाउंड होने के बाद जब ये ब्रेकआउट करता है और सपोर्ट पर जब ये हैमर टाइप की कैंडल बनाता है तो ये बहुत अच्छी मूवमेंट देके जाता है, ये इसका बिहेवियर है, ठीक है। तो यहां पर देखिए अब क्या हुआ है, ये देखिए मैं आपको दिखा रहा हूं, आगे की तरफ चलते हैं। अब ये जो लोअर हाई बनने चालू हुए थे, हमने ट्रेंड लाइन ड्रॉ किया था, ट्रेंड लाइन ड्रॉ करने के बाद ये देखिए क्या हो रहा है, इसका ब्रेकआउट हुआ है, ठीक है, ब्रेकआउट हुआ है, रीटेस्ट हुआ है, रीटेस्ट होने के बाद ये देखिए ये जो एक लेवल था जो हमने पीछे ड्रॉ करके रखा हुआ था, ठीक है, इसी लेवल पर जाकर रेजिस्टेंस पर जाकर ये देखिए 5-6 दिन कंटिन्यू ये सस्टेन किया, सस्टेन करने के बाद फाइनली इसने ब्रेकआउट दे दिया, ठीक है, ब्रेकआउट दिया है। ब्रेकआउट देने के बाद ये देखिए जो है ऊपर की तरफ ये कहां तक गया है, ऊपर की तरफ ये देखिए जो पिछला एक, देखिए हम कभी भी जब हम किसी ब्रेकआउट पर ट्रेड करते हैं तो हमको हमारा टारगेट क्या होना चाहिए वो मैं आपको बताने जा रहा हूं, ध्यान से सुनिए। देखिए हमारा टारगेट होना चाहिए जो पिछले हाई बने हुए हैं, जो पिछला हायर हाई बना है, जो पिछला लोअर लो बना है, वो हमारा टारगेट होना चाहिए, हम उसको टारगेट पकड़ के चलते हैं। तो ये देखिए यहां पर जो है नियर अबाउट, हम यहां पर एक पिक्चर ये ड्रॉ कर देंगे इस तरह से, सॉरी, ठीक है। तो ये देखिए यहां पर सपोर्ट ऊपर की तरफ गया है, ठीक है, ऊपर की तरफ जाने के बाद ये जो है अगला जो है नीचे की तरफ ही कहां तक आ सकता है, जो हमारी करंट पिक्चर यहां पर चल रही है, जो करंट सिनेरियो यहां पर चल रहा है, जहां पर पिछली बार अभी ब्रेकआउट फिलहाल में जो ब्रेकआउट हुआ है, ठीक है, फिलहाल में ये ब्रेकआउट हुआ,
ठीक है, पिछले हाई के नजदीक गया है, ठीक है, वहां से ये रिवर्स हुआ है। और रिवर्स भी देखिए, हम यहाँ पर रिवर्स का ट्रेड क्यों लेंगे, क्योंकि यहाँ पर देखिए एक शूटिंग स्टार टाइप की कैंडल बन रही है। ये देखिए, ये स्टॉक जो है 1400 रुपए से लेकर 1534 रुपए तक गया है। बट 1534 रुपए से यहाँ पर क्लोजिंग देखिए कहां पर हुई है, क्लोजिंग इसी 1444 रुपए हुई है, मतलब 40 रुपए ऊपर से डाउन हो गया है। इसका मतलब सेलर यहाँ पर सेलिंग प्रेशर है, और जो है सेलिंग प्रेशर है तो इसमें हम ये देख के चल सकते हैं कि ये स्टॉक जो है अब पिछले सपोर्ट पर जाकर सपोर्ट ले सकता है। तो ये देखिए, ये पहले तो यहाँ पर सेलिंग प्रेशर आया, उसके बाद फिर एक छोटी सी ग्रीन कैंडल बनी है, और यहां पर एक देखिए फिर शूटिंग स्टार कैंडल बन गई। ठीक है, तो यहां पर हमको कंफर्मेशन मिल जाता है कि हाँ, ये स्टॉक जो है अब नीचे की तरफ जाने के लिए रेडी है। तो हमारी एंट्री इस, ये जो है, ये ग्रीन कैंडल जो छोटी सी बनी हुई है, जब इसके नीचे ये ब्रेकआउट हो, नीचे की तरफ क्रॉस करेगा, तो अब हमारी एंट्री हो जाएगी। ठीक है, तो अभी देखिए यहां पर हमारी एंट्री हो चुकी है। ठीक है, यहां एंट्री होने के बाद मैं आपको ये दिखा देता हूं, और यहां भी एक मैं आपको ड्रॉ कर दिखा देता हूं। ठीक है, अब मैं ये सब डिलीट कर देता हूं तो आपको जो है अच्छे से दिखाई देगा। ठीक है, अब ये देखिए यहां पर जो एक हाई लगा हुआ था, यहां पर हाई लगने के बाद देखिए इसी लेवल पर जो इसका रेजिस्टेंस था, अब वो इसका सपोर्ट बन चुका है। यहां पर ब्रेकआउट के बाद ये सपोर्ट बनने के बाद देखिए क्या हो रहा है, ये नियर अबाउट में ख्याल से 1.5 महीना, 1.5 महीना इसने यहां पर सस्टेन किया है। और एक हम जो है ऊपर की तरफ ये लाइन इस तरह से ड्रॉ कर देते हैं, जो ये रेंज बाउंड रहा है। ये देखिए रेंज बाउंड 1650 रुपए से लेकर 1550 रुपए के बीच में, ये 100 रुपए के बीच में रेंज बाउंड रहा है। और ये कॉल मैंने टेलीग्राम चैनल पर भी दी थी पोजिशनल वालों के लिए, कि जिसने पोजिशन ट्रेड इसमें बनाना है, कि जब भी इसका ब्रेकआउट होगा, जब भी इसका ब्रेकआउट होगा तो इसका जो है 2 गुना जो है इसका टारगेट हो सकता है। ठीक है, तो ये देखिए जो 100 रुपए का ये रेंज बाउंड कितने की है, 100 रुपए की है, तो हमारा टारगेट कितना होगा इसका, 2 गुना होगा। तो 2 गुना कितना हो गया, 200 रुपए। तो अभी ये देखिए 1650 रुपए से लेकर ये कितना जा चुका है, 1819 रुपए। तो नियर अबाउट अभी इसमें हमारा 20 से 30 रुपए टारगेट हमारा अचीव होना बाकी है। ठीक है, तो टेलीग्राम पे जिस भी भाई ने मेरी ये कॉल देखी होगी, ली होगी, मैं आशा करता हूं कि वे सारे प्रॉफिटेबल होंगे। ठीक है, बाकी देखिए ये जो मार्केट में जो काम करता है ना, ये सपोर्ट रेजिस्टेंस और ट्रेंड लाइन ही काम करते हैं। ठीक है, तो आपको जो है मार्केट में जंप करने से पहले, कोई ट्रेड लेने से पहले, आपको टेक्निकल एनालिसिस का अच्छा ज्ञान होना चाहिए। अगर आपके पास टेक्निकल एनालिसिस का अच्छा ज्ञान है तो आपको मार्केट में पैसे बनाने से कोई नहीं रोक सकता। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये एनालिसिस पसंद आई होगी। मैं इसी तरह हर वीकेंड पे आप लोगों के लिए 2 स्टॉक लेकर आता हूं, उसकी एनालिसिस करके आपको बताता हूं उसमें किस तरह से ट्रेंड लाइन, सपोर्ट लाइन और जो है हॉरिजॉन्टल वगैरह ड्रॉ किए जाते हैं, वो सारी चीजें आपको बताता हूं। अगर मेरे किसी भाई को कोई इश्यू हो, कोई बात समझ ना आ रही हो, तो आप मुझे व्हाट्सएप पर जो है मेरे को मैसेज कर सकते हैं, मैं आपकी सारी क्वायरी हल कर दूंगा। और मैंने एक सर्विस स्टार्ट की हुई है, जो मतलब आप चार्ट ड्रॉ करते हैं, आप जो है डाउट में रहते हैं कि मेरा चार्ट सही है या नहीं सही है, जो मैंने ड्रॉइंग की है इसमें सही है कि नहीं सही है, तो आप जो है कॉन्फिडेंस नहीं हो पाते हैं उस पर, आप ट्रेड नहीं ले पाते हैं, तो आप जो है चार्ट मुझे भेज सकते हैं। अधिकतर मेरे पास 200-300 चार्ट डेली आ रहे हैं। ठीक है ना, मैं और उन लोगों को डेली मैं रिप्लाई कर रहा हूँ, उनमें उनकी चार्ट में अगर कोई गलती होती है तो मैं इसको इम्प्रूव करके उनको मैं रीसेंड करता हूँ। ठीक है, तो मैं ये सर्विस बिल्कुल फ्री मैं प्रोवाइड कर रहा हूँ। तो आप भी अगर ये चाहते हैं, आप इसमें टेक्निकल एनालिसिस में एक्सपर्ट होना चाहते हैं, तो मैं आपकी फ्री में हेल्प करने के लिए तैयार हूँ। चलिए ठीक है, उम्मीद करता हूँ आप लोग को वीडियो पसंद आई होगी। थैंक यू, अपना ख्याल रखिएगा।